पापा जी ने 2 पीस किए इसके। शाबाश। यहाँ से इसके कलम निकल जाएंगे जैसे इसका कलम निकला है। इस पहाड़ों पे सनसेट और सनराइज देखने का अलग ही मजा है। अब लड़के आपस में, अब क्या लड़के भाई, और क्या हो गया? इसकी कम से कम 50 बार कटिंग हो चुकी है। अच्छा हुआ इसने ये नहीं बोला कि मेरे नाम करके इतने फूल लगाया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। पहला कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सुबह के हो रहे हैं 9:30 और अपने ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने पंचायत घर पे। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने गेहूँ की मढ़ाई करनी है। कल भी हम लोगों ने मढ़ाई की और आज भी करनी है। इस वाली पन्नी में सारे अपने कपड़े हैं जो वहाँ जाके पूरे चेंज होने वाले हैं, क्योंकि गेहूँ से ना पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो गाइस, ताऊ जी लोगों ने यहाँ पे पूरा नल रखा हुआ है जो गेहूँ के पीछे वाला हिस्सा होता है इस तरीके से, और बाद में उसका इस तरीके से लूटा लगता है। ये देख लो, जो हम लोगों ने पंचायत घर के अंदर रखा ना, हम लोग भी उसको इस तरीके से लूटा लगाएंगे। इस मम्मी यहाँ पे घास काट के भी ले आई है। इसके यहाँ मम्मी अभी गेहूँ की मढ़ाई करेगी, तो मम्मी को तो बहुत सारा काम होता है। और डब्बू भी आ गया। डब्बू तू क्या करेगा? मढ़ाई करेगा। अरे आजा, तू भी मढ़ाई करेगा गेहूँ की? चल फिर चल, दोनों मिल गए। कमांडर डब्बू बच्चे आ गए हमारे। चलो बच्चों, चलो बच्चों, अरे चलो चलो चलो, अरे चलो यार, चलो दोनों गेहूँ की मढ़ाई करोगे। आज गेहूँ की मढ़ाई करने के लिए मामा जी भी आ गए, साथ में प्रिंसू भी आ रखा है। प्रिंसू यहाँ के क्या खा रहा है भाई? तू क्या खा रहा? मुर्गा? चिकन चल रहा था? चिकन चिकन चल रहा है भाई। तू घर खाना खा के नहीं आया था? घर खाना खा के नहीं आया था? बड़ा चालाक है यार, वहाँ से यहाँ तो खाने आ गया। देखो कैसे भाई खाने को तैयार बैठा है। खाना पीना हो गया, अब प्रिंसू आराम से खेलेगा। तो मामा जी तैयार हो गए। मम्मी ने टब में पानी भरा हुआ था, तो मैंने फिर दोनों कुत्तों को डाल दिया उसमें, कमांडो को भी डब्बू को भी। अबे कैसे लग रहे हैं भाई? अरे अरे, ये थोड़ा मस्त लग रहा है। ये देखो कितना बेकार सा लग रहा है, सूखा सा लग रहा है ये पूरा। अरे भिगा देगा पूरा। तो आए मजे, ज़्यादा खुश हो गया है ना? पहले बहुत जिद कर रहा था, जब इसको पानी में डाला ना मैंने, फिर आराम से मस्त करके नहाया इसने। और ये तो पहले से ही ढीला डाला था, इसको पकड़ा डुबा दिया हमारे टप में पूरा। हमने जो कल गेहूं की मढ़ाई की थी उसमें से साफ़ करने के बाद जो चीला निकला हुआ था, इसको इसमें फिल कर रहे हैं। इसको घर लेके जाएंगे, इसको आप भूसा मान सकते हो। सुबह के हो रहे हैं 10:30 और काम स्टार्ट। तो मामा जी का लुक देख सकते हो, क्या लुक लग रहा है। ऐसे आएगा ना, यहाँ पर थोड़ी आँखें आएंगी चिड़िया वाली, आँख बने नहीं है। काफ़ी मस्त से लग रहे हो। और मेरा लुक देख सकते हो भाई, मैं भी काफ़ी मस्त लग रहा हूँ। कल वाली जो पन्नी थी ना, उससे मेरा पूरा वास बन जा रहा था और पूरा पसीना पसीना हो जा रहा था। तो आज पन्नी चेंज कर ली, तो बीच के बटन लगा रखे हैं जिससे कि अंदर ना घुसे। और सर पे ऐसी वाली पन्नी, ये वाली पन्नी का फायदा ये होगा कि इससे पसीना कम होगा। दूसरी वाली पन्नी पे बहुत ज़्यादा वास बन जा रहा है। इस दिन के बज गए 1 और हम लोग जाने लगे घर को वापस। भाई यहाँ पे चिड़िया, मेरे को लगा सांप है करके। तो मम्मी नल लेके जा रही है जो गेहूँ के पीछे वाला हिस्सा होता है ना, बैलों के लिए। तो हमारा आज का काम कम्प्लीट हो गया, गेहूँ की मढ़ाई करने वाला। बस उसको साफ़ करने का काम मम्मी और पापा शाम के टाइम करेंगे, क्योंकि आज हवा नहीं चल रही है बिल्कुल। ओए खड़बड़ खड़बड़ इंसान, क्या खड़बड़ मचा रहे हो? इसको डब्बा मिल गया, सबसे ज़्यादा काम इसने किया। जो डब्बा गिरा दिया इसने, लो भैया। मैंने किया भाई सबसे ज़्यादा। फिर क्या कद्दू यार, नहीं आता तो तुम्हारा होता ही नहीं था ये। अच्छा कैसा देख रहे हो गाइस, मामा जी क्या कह रहे हैं? आपको मिलते हैं कमेटी की तरफ से 11 रुपये इनाम। 11 में क्या होगा यार, 11 में 3 0 लगाओ भाई। अरे इतना महंगा थोड़ी ना, इतने में तो गेहूँ का कट्टा खरीद के ले आऊँगा मैं। शाम के हो रहे हैं 6 और अब जाके मैं कैमरा उठा रहा हूँ। तो सुबह से हम लोगों ने गेहूँ की मढ़ाई की, उसके हम लोग घर चले गए, आराम से खाना खाए, फिर जाके थोड़ा रेस्ट किया। और उसके बाद रोज़ का हमारा काम रहता है अपने जानवरों को खेत में चराने का, तो उन्हीं को लेके हम लोग आ रखे हैं। अभी तक उनको चरा रहे थे, अभी कुछ टाइम में उनको घर लेके जाएंगे। पहाड़ों की धूप तो पूरी जा चुकी है, ये देख लो भाई, पूरा सूर्यास्त हो चुका है। अब सबको पूरी लालिमा दिख रही होगी ना, जब सूर्यास्त हो जाता है कुछ इस तरीके से होता है पहाड़ों पे। तो यहाँ पे पूरी धुंध लगी हुई है आग की वजह से, और यहाँ पे जानवर चल रहे हैं, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, और बकरियाँ यहाँ पर है। तो सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। कल गेहूँ की मढ़ाई की थी तो इस वाले हाथ में दर्द हो रहा था, और आज मढ़ाई की तो दोनों हाथ में दर्द हो रहा है। हाथों की अच्छी खासी तरह वाट लगी। और अच्छी बात यह कि गेहूँ की मढ़ाई का काम पूरा कंप्लीट हो गया। बस कल के लिए थोड़ी सी बची हुई है, 2 बीटियाँ तो ज़्यादा है नहीं, वैसे ऑलमोस्ट खत्म हो गया। गाइस जब घर पे ज़्यादा काम होता है ना, तब ब्लॉग तो हो नहीं पाता है, क्योंकि पूरा ध्यान काम की ओर होता है, जैसे कि कल और आज में हुआ। तो ये काम भी ज़रूरी था खेती का, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं कब जाके बारिश आ जाए, इसीलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी काम निपटाया। बच्चों ने खेल खेल के पूरी पॉली हाउस की पन्नी फाड़ दी है। लोग पॉली हाउस में सब्जियाँ लगाते हैं और हमारा पॉली हाउस खाली है, पूरा फटा हुआ है। ये बच्चों ने पूरा फाड़ दिया खेल खेल के। कमांडर आजा, इनके साथ में कमांडर भी खेल रहा है। वो योगी यहाँ पे चले गया, छिपने के खेल रहे हैं। ये यहाँ पर है, और लक्कू कहाँ पे है? कहीं लक्कू भी था आसपास। वो देख लो भाई, ऐसे भाग रहे हैं ये। इनने इतने सारे होल बना दिए, यहाँ से भी रास्ता बना दिया, वहाँ से भी। कर क्या रहे तुम लोग ये देखो भाई, पूरी पन्नी की वाट ला के रखी इन लोग, और फाड़ दी। कमांडर तू भी खेल लगा साथ में। देखो आराम से खेला, गिर जाएगा गिर जाएगा। हाथ पैर टूटेंगे तो क्या होगा? गिरेगा नहीं ऐसे बता मेरे को। खुशी देखो खुशी इसकी, ऐसे भाग रहे ना भाई बिल्कुल ये भाई जैसे बंदर कूदते यहाँ से यहाँ कूद रहे हैं यहाँ से यहाँ। वो इनके पक्का चोट लगी, मेरी तो मानने वाले हैं नहीं है भाई ने पूरी वाट लगा रखी है। योगी गिरेगा 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 पक्का गिरेगा, देखना तो आज पक्का गिरेगा। वो देखो गाइस ऐसे भाग रहे हैं बिल्कुल, इनको समझाना इम्पॉसिबल बच्चों को, ये लोग खेल रहे हैं छूने की। अब लड़के आपस में, अब क्या लड़के भाई और क्या हो गया? डबल लाइन का मतलब क्या हुआ? किसी दूसरे को लग गया तो फिर उसने हमें नहीं लगना। अच्छा अब देखो गाइस बच्चों की लड़ाई हो गई है तो, तीनों आपस में बैठ गए। अब क्या होगा? ओ भाई लग जाएगी, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे भाग रहे हैं बिल्कुल ये देखो ये। अगर ऐसे में इनको चोट नहीं लगी तो क्या होगा? मेरी बात तो बिल्कुल नहीं मान रहा, मेरे बोलने को फ़र्क ही नहीं पड़ता। मम्मी जी बना रही है भैंस के लिए घास, तो मम्मी ने इस वाले पेड़ से घास काटी है और ये वाली जो घास है वो है दूध की। ये देख लो इसके बीच इस तरीके से पत्ते होते हैं, ये दूध देने वाली भैंस को हम लोग देते हैं, जैसे तीमल हो गया, भींगल हो गया, दूधल हो गया इस तरीके से। और जो बाँझ होती है वो हम लोग ज़्यादातर बैलों को देते हैं क्योंकि भैंस हमारी कम खाती है ना। वैसे बाँझ भी दूध देने वाले जानवर को दे सकते हैं पर हम कम देते हैं, तो इससे भैंस ज़्यादा दूध देगी। पर देगी देगी तो बात की बात है, पर खिला देते हैं डिब्बा भर देगी। मम्मी कह रही है चलो अपना काम तो करना है, खिलाना तो है ही। तो हम लोग जानवर को लेके भी आए। मम्मी जी तो गई पंचायत घर पे गेहूं को साफ़ करने के लिए, पापा जी और मम्मी वहीं पे काम कर रहे हैं। और मेरे को ये वाली घास लेके जानी है, बस खुले ना भाई ये एक ही मुठा, बस एक मुठा बहुत है। गाइस आज है 3 मई और शाम के हो रहे हैं 4:26 और अब जाके हम लोग कैमरा उठा रहे हैं। तो ये वाला ब्लॉग हमारा कल से चालू हो रहा है और 2 दिन में हमसे एक ब्लॉग भी अच्छे से बन नहीं पा रहा है। काहे नहीं बन पा रहा बच्चों? इसका रीज़न पहाड़ी प्रकाश गोस्वामी जो कि वीडियो कभी बनाते ही भाई ऐसा सच्चाई। इसका रीज़न ये है कि हमारा जो रूटीन है बिल्कुल सेम हो रहा था। आजकल एक ही काम चला था गेहूँ चुटाई वाला, तो इसलिए हम कुछ ज़्यादा शूट कर नहीं पा रहे थे। तो हमारा काम तो लगभग ख़त्म हो गया, तो अभी मम्मी पापा सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके का माहौल है यहाँ का, और हम लोग अपने जानवरों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा बहुत सारा भूसा इकट्ठा हो रहा था, यानी कुमाऊनी बोलो चील इकट्ठा हो रहा था, और मम्मी भी सफाई पर लगी हुई है। और ये पता नहीं क्या कर रहा है हमारा डब्बू, क्या कर रहा है बच्चे? तो जो भी चिल्ला था ना वो इसमें इकट्ठा कर दिया, ये देख लो यहाँ पे पूरा इकट्ठा कर दिया है। और जो भी नल था वो पंचायत घर के अंदर रखा हुआ, बाद में इसका हम लोग लोटा लगाएंगे, यहाँ पे रखा हुआ। देखो इतने गेहूँ हमारे हो रखे हैं। आपको योगी की बकरी का टैलेंट दिखाता हूँ, ये देख लो भाई ज़मीन में इतनी सारी घास होने के बाद भी पेड़ में गई हुई है घास खाने के लिए। ये देख लो, आपका इंटरव्यू लेते हैं हम। क्या आपको डर नहीं लगता? इसकी मम्मी उस वाले पेड़ पे गई हुई थी और ये यहाँ पे चली गई। देख लो भाई योगी की सारी बकरियाँ टैलेंटेड है योगी की तरह। हम लोग आगे डीएस भैया के घर पे, तो मैंने आपको बहुत पहले दिखाया था कि डीएस भैया लोगों का घर का काम चल रहा था। जो काम पूरा कंप्लीट हो गया तो पूरी छत बन चुकी है। यहाँ पर इन्हें बहुत सारे कपड़े डाले हुए हैं जिससे कि जब इसे पानी डालेंगे ना वो क्या करेंगे, कपड़े पूरे पानी को सोख लेंगे और पानी ज़्यादा देर रहेगा। यहाँ पे बुबू जी और डीएस भैया काम कर रहे हैं। बुबू नमस्कार। भारत माता की जय। धर्म जब वो ठीक छा, स्वास्थ्य पानी ठीक करो कि लगन ना बुबू गडेर। तो गाइस बुबू की गडेरी आपको दिखाते हैं, ये है गडेरी। और यो गडेर बाबू, यो पिना हुआ बुबू, ये लो गडेर भाई। अच्छा सारी गडेरी डीएस भैया खोद रहे हैं और बुबू जी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे गैस पर पूरी मकान की मिट्टी थी, तो बुबू ने उसको कल तक पूरा अच्छे से प्लेन किया, यहाँ पूरा खेत बना दिया। तो भी काम चला हुआ है, मेहनत वाला काम डीएस भैया का। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो डीएस भैया गाइस केदारनाथ जा रहे हैं, वहाँ से हमारे प्रसाद लेके आएंगे। गाइस अगर कोई केदारनाथ आना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। गाइस जो भी केदारनाथ जाएंगे आपको डीएस भैया कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। भाई हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा सनवाल डीएस करके इंस्टाग्राम में आईडी है। अगर हमारी शक्ल देख रही है तो आपको अच्छे से हमसे संपर्क कर सकते हो। केदारनाथ यात्रा में, केदारनाथ यात्रा में 6 महीने कभी भी शुभ यात्रा। तो पूरी यात्रा में डीएस भैया गाइस केदारनाथ में रहेंगे। क्या करने वाले हैं ये? वहाँ सेवा करेंगे भोलेनाथ की। बहुत बढ़िया। तो गाइस इनसे आप कॉन्टेक्ट। बुबू तक काटवेयर की होल, अरे वो कम है ना। अच्छा ना देखो, तो गाइस 20 कम है, ज्यादा करने के लिए गडेरियों काट दिया। बताओ भाई, गाइस देख सकते हो। बताओ भाई, जैसे ना पापा जी ने 2 पीस किए इसके, शाबाश। यहाँ से इसके कलम निकल जाएंगे, जैसे इसका कलम निकला है, इसका अलग पौधा हो जाएगा, इसका अलग। दो पौधे हो जाएंगे एक पीस से। बहुत बढ़िया, कहने का मतलब यो है बढ़िया। तो डीएस भी अपना घर का सारा काम करके जा रहे हैं, उसके आराम से मस्त करके 6 महीने के लिए यात्रा पे जाएंगे। अगर भाई कोई अरबी खाना चाहता है तो हमारे घर में आके खा सकता है 6 महीने बाद, 6 महीने के बाद। पर किसी के घर में हम दे नहीं सकते, पहुँचा नहीं सकते। पहुँचा नहीं सकते हो? नहीं। चलो बढ़िया है। साथ में गाइस बुबू जी राजमा भी लगा रहे हैं भाई, वाह। ये देखो बुबू क्वाल जो लगवालची की है, बोटवाल। अच्छा देखो गाइस ये वाला राजमा का बीज है और ये वाला काहे का बीज है? भिंडी। अच्छा भिंडी, राजमा, गडेरी सब लग रही है। अरबी मतलब पंजाब की भिंडी। पंजाब की भिंडी, बहुत बढ़िया भाई। पंजाब की भिंडी यहाँ लेके आ गए। तो ये पूरा सब्जी वाला खेत बनेगा। अभी आपको ऐसा दिख रहा है, जब इसमें सब्जी होंगे ना तब आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से बुबू की सब्जी हो रही है। ककड़ी भी डाल लेके ककड़ी पहाड़ी, बहुत बढ़िया भाई, ककड़ी खाने को मिलेगी हमको। भाई इस बार हमारी ककड़ी हमें प्रकाश भाई ने खानी है। बिल्कुल, मंदिर है और मंदिर में बहुत सारे फूल हो रहे हैं। कितने प्यारे प्यारे गुलाब लगे हैं भाई, ढेर सारे, देख लो कितने मस्त लग रहे हैं, काफी मस्त लग रहे हैं गुलाब। क्या करते तुम? कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी तो डीके साहब बोल रहे थे ये गुलाब का पौधा जो है, इस गुलाब, मेरा कहने का मतलब है जब हम पैदा हुए थे तब का फूल है, कम से कम 20 साल हो गए इसको, 22 साल मेरे को हो गए, 20 साल फूल को हो गए कम से कम। क्या इस बात से सच्चाई है? जब से हमने फूल देखा ऐसा ही देखा, इसकी कम से कम 50 बार कटिंग हो चुकी है। अच्छा हुआ इसने ये नहीं बोला कि मेरे नामकरण के दिन फूल लगाया। भाई मेरे नामकरण के दिन माल्टा का पेड़ लगा है, इसमें सारे माल्टा डिगेश भाई खा रहे हैं। ये देख लो भाई पूरे, भाई फनी, मेरे दादाजी का लग रहा है वो माल्टा का पेड़ है, डिगेश भाई के नाम पे, मेरे नाम पे। बहुत बढ़िया, अगर कोई खाना चाहता तो आ सकता है, माल्टा भेज सकते हैं, अगर अरबी नहीं भेज सकते क्योंकि ये बहुत महंगी मिलती है। अच्छा, कम से कम 80-90 रुपए किलो मिलती है, हमें हमने खरीदी है ना शहर में जाके। बहुत सही भाई। गाइस अभी सनसेट होने वाला है, सूर्य भगवान कितने मस्त लग रहे हैं, देखो पूरी लालियाँ भाई, काफी मस्त लग रहा है देखने में। पता पहाड़ी में अगर धुंध नहीं होती इतना प्यारा सा लगता है। गाइस पहाड़ों पे सनसेट और सनराइज देखने का अलग ही मजा है, पर ये धुंध ना लगी हो ना तो और मजे आ जाएंगे। और यहाँ पे मेरा डब्बू और कमांडर है, मैं इसके साथ खेल रहा था, जैसे ही खेलता हूँ ये पहुँच जाता है, ये बोलता है भाई मेरे साथ खेलो, ये बहुत चिढ़ता है भाई, बहुत चिढ़ता है। अगर इसको प्यार करो ना तो ये पहुँच जाएगा बीच में, देखो अभी दिखा रहा हूँ आपको लाइव, डब्बू डब्बू डब्बू, ये देखो भाई, इसको प्यार नहीं करना है क्या? अरे भाई ठीक है ठीक है ठीक है, तेरा ही नंबर, ठीक है भाई तेरा ही नंबर, बस हो गया खुश, वो हो गया बस, अब खुश रहेगा ये। उसको चिढ़नी मस्ती है, इसको प्यार करो वो नहीं चिढ़ता, बट डब्बू को प्यार करो ये चिढ़ जाता है। आजकल हमारा डब्बू थोड़ा कमजोर सा हो गया, कुछ टाइम में मोटा हो जाएगा। गाइस अभी पूरी शाम हो गई है और मम्मी ने शाम का खाना ही बना दिया है, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, साथ अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।